में है प्रेम हास्य और व्यथा प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती हाँ जीजा जी अब जब हीरा मोती हल चलाएंगे तो धरती हीरे मोती ही तो उगलेगी। अरे साले जी आपका पधारे बस अभी अभी आए हैं वो हमने जीजी को जरा मदद के लिए कहा था सो उनका संदेशा मिला कि आ जाओ। हाँ हमने ही गया को बुला भेजा था फसल बोने के दिन आ गए हैं छोटा सा खेत है इसका लेकिन बेचारे के पास हल चलाने के लिए बैल तो क्या एक गधा भी नहीं है। अजी मेहनत करेगा तो साल दो साल में गधा क्या एक आध बैल भी खरीद लेगा। साल दो साल की बात छोड़ो हमने सोचा कुछ दिनों के लिए हम ही अपने बैल मेरे हीरा और मोती आ गए मेरे हीरा मोती खेत से आ गए अब मैं इनके साथ खेलूंगी इन्हें चारा भूसा खिलाऊंगी। मुन्नी बिटिया एक बात बताओ तुम मुझसे अधिक प्रेम करती हो या हीरा मोती से। बाबा आप भी तो मुझसे अधिक इन दोनों को प्रेम करते हैं है ना। देखो बिटिया बनाने वाले ने भी क्या दस्तूर बनाया है कहीं तो हम जानवरों के साथ अन्याय करते हैं गधे पे बोझा लादते हैं तो इतना लादते हैं कि उसकी कमर ही तोड़ डालें और वो भी सर झुकाए अपना नसीब खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और कहीं हम उनसे इतना प्रेम करते हैं कि अपनों को भी जलन हो जाए। हाँ हाँ हीरा मोती तो जैसे तुम दोनों की दिल की धड़कन है एक बात सुन ले वो हमने गया से वायदा किया है कि वो इन दोनों पशुओं को ले जा करके अपनी खेत की खुदाई करवा सकता है। अम्मा मैं नहीं जाने दूंगी इन दोनों को कभी। कैसे नहीं जाने देगी तू अपनी पढ़ाई लिखाई का तो कुछ ख्याल नहीं दिन भर इन नालायक जानवरों के साथ खेलती रहती है। जमुना देवी ये क्या कह रही हो हीरा मोती में तो इसकी जान बसती है। तुम चुप करो जी हमने एक बार कह दिया तो कह दिया कल सवेरे गया इनको अपने घर ले जाएगा अभी चलो पूजा करके भोजन कर लो। अब अच्छे से खेत खुदवा कर फसल बोलो। अम्मा हीरा मोती को मत भेजो। ज्यादा बकबक मत कर चल अपना बस्ता उठा और स्कूल के लिए निकल। रो मत बेटा ईश्वर उनका ध्यान रखेगा। आ 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 अरे जरा तेज तेज पैर दौड़ाओ ये गधे की चाल से क्या चल रहे हो अब तुम्हें गया के घर में रहना है। मोती इसके साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं होता जाने मालिक ने हमें बेच दिया है हमने तो उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था और काम ले लेते। मैं उनसे बोलूं हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुका कर खा लिया फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। आ 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
तुम्हें तो किसी काम पर भेजना ही गुनाह है। शाम ढले को आए, अब जाकर पहुंचे हो। अरे हम तो सवेरे ही निकल लिए थे दीदी के यहाँ से, मगर इन दोनों कमबख्तों ने नाक में दम कर दिया। चलो बांधो इनको और अंदर चलो। दिन भर के भूखे थे बेबस जानवर। जब नांद में लगाए गए दोनों मगर, तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। यह दादा था उनको चारा घर वाला। दिल भारी हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। जिसे अपना घर समझ रखा था वो आज हमसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब बेगाने से लगते हैं। कुछ समय ऊंघ लो, जब गांव में सोता पड़ जाए तो। समझ गया रे। दोनों ने एक दूजे को कनखियों से देखा। बोले आंख बदल डाले किस्मत का लेखा। आंखों ही आंखों में कर ली सलाह कि अभी लेट जाओ यहाँ इसी जगह। और जब गांव में सोता पड़ गया, तो डाले पगवा, मारा यू जोर और भाग लिए दोनों घर की ओर। झूरी जब सोकर उठा प्रातः काल, देखा बैलों को तो हुआ बेहाल। चरनी पर थे भरे कीचड़ में पांव, गर्दन में झूलता था आधा गिरा। मुन्नी मुन्नी बिटिया, देखो तो कौन आया है। मेरे हीरा मोती। अरे देखो, हीरा और मोती वापस आ गए। ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। बैल नहीं आवे, उस जन्म के आदमी हैं। हीरा मोती के आने से गांव का सुगंध लौट आया है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख लाए रे। रंग जीवन में नया लाए ओ। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख लाए रे। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अगर चारा मिलता तो क्यों भागते। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धवान की तरह बैल को सहलाते नहीं,
खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। तुम लोग खड़े यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? भागो यहाँ से और तू तू चल भीतर। ये दोनों ठहरे काम चोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न देना, खाए चौहे मर। अबे हरिया, थोड़ी सी खली भी क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला? नो दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। लगता है आज तो इसी में गुजारा करना होगा। गया से कहलवा भेजती हूँ, कल फिर ही ले जाएगा। लो चमेली की अम्मा, फिर से ले आया इन कमबख्तों को। अब की बार इनको मोटी रस्सी से बांधो। जे खाओगे महाराज? जे हमारी बकरियों के लिए है, तुम्हारे लिए जे है, जे सूखा भूसा। अच्छा सिखाया कल की शरारत का मजा। भागेंगे। मोती भाई, ऐसा अपमान तो कभी ना हुआ। झूरी तो हमें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, यहां मार पड़ी और खाने को मिला सूखा भूसा। लगता है यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। इस एक रोटी से भूख तो क्या शांत होगी, पर हृदय को मानो भोजन मिल गया है। चलो भाई, अब की सोए पड़ो। मेरे खेत में जो हल चले है, अरे भाई लोगों, हिलते क्यों नहीं? खेत में क्या तुम्हारी पूजा करने लाया हूँ? आज आज अच्छा नहीं हिलोगे तो बताता हूँ, खेत में आके मस्ती काटते हैं। नहीं हिलेंगी तुम्हारी। अभी सूर्य की मरम्मत कराऊंगा। तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। आओ, यही है वो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आज फिर मिला उनको वही सूखा भूसा, ना खाया उन्होंने ना छुआ जरा सा। La 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 la
भगवान इसका भला करे। ये अनाथ लड़की इस घर में काम करती है और हमारी तरह मालिक मालकिन की मार खाती है। तभी तो इसको हमसे आत्मीयता है, फिर भी इसकी एक एक रोटी से कितने दिन चलेगा? अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वो बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो फिर मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता, मगर इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाच डाल दी जाए। अब चलते क्यों नहीं? चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अरे, अब भागते क्यों नहीं? दादा दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हुर हुर हुर, दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। जल्दी दौड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे मेरे पैर भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, रखो रखो मेरे पैर। अरे पकड़ो मेरे पैर, भागे भागे। अब क्या करें? चलो भैया, चलो भाई, चलो। मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, पर हम अपना धर्म क्यों छोड़े? कई दिनों की भूख है भाई, सामने खेत में मटर खड़ी है, आओ चले। डॉक्टर चला रहा है? हाँ, सांड ही है। बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू बिनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले? भागना काटता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-11 होता है। और जो दौड़ाए? तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय उपाय उपाय। उपाय ये है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूं, तुम पीछे से रगे दो। तोरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। Ah!
पता था बच्चा को मार ही डालूं। गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए। सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। वो सब ठीक है, अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने तो था ही मटर का खेत, घुस गया उसमें मोती पिंचे, हीरा घबराया, दी पीछे आवाज, खेत खुदा है मोती, न जाओ पास। सींचा हुआ खेत था और मोती पछताया, निकलूंगा कैसे ये सोच घबराया, भागा तो कीचड़ में खुर लगे हंसने, उसी मुश्किल में देख के लोग लगे हंसने। यहाँ मत आओ हीरा, नहीं फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। बंद कर दो इनको काजी हाउस के अंदर। प्रातः काल दोनों कर दिए गए बंद, ना खाना ना पानी, ये मिला उनको धन। समझ में नहीं आता कैसा स्वामी है, पूरा दिन निकल गया खाने को एक दिन का भी नहीं दिया, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वहाँ और भी जानवर दिखाई देते हैं, कई भैंसे हैं, घोड़े, बकरियां, गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं है, सब जमीन पे मुर्दों की तरह पड़े हैं। झूरी बाबा की याद आ गई, वो हमारे लिए भगवान थे। झूठा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर, झूठा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर, हमको दूर क्यों भगाया, हमसे बैर क्यों लगाया, हम पे जुलम क्यों ढाया, टूटा हम राजगर। झूठा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर, झूठा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। हम हैं बैल तुम्हारे, हम हैं बाल तुम्हारे, तुम्हारी आंखों के तारे, अब फिर मारे मारे हम इधर से उधर। झूठा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। आवे याद तुम्हारी फूटी किस्मत, मारी ढूंढे तुमको बेचारी, हम दो की नजर। झूठा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर, झूठा मालिक का घर, घर से हुए हम बेघर। अब नहीं रहा जाता मोती, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। आओ आओ आओ, दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ ना होगा। बस इसी बूथ पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। लो मैं तोड़ कर दिखाता हूं दीवार। हीरा, कहीं कहीं से दीवार टूटने लगी है। आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया,
ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार टूट जाती तो कितनी जाने बच जाती, कितने भाई वहां बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। दो चार दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। चोट और हीरा, देख कहीं कहीं से दीवार टूटने लगी है। ये लो, टूट गई आधी दीवार। दीवार के गिरते ही अधमरे से सभी प्राणी चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, भैंसे भी खिसक गई, पर गधे जो के तो खड़े हैं। तुम क्यों नहीं भाग जाते? जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता, हम यहीं पड़े रहे। हीरा, इस जोर मार से ये तो फायदा हुआ कि मेरी रस्सी खुल गई है। लाओ तुम्हारी भी खोल दूं। नहीं, तुम जाओ, कहीं चौकीदार ना आ जाए। मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तुमने मुझे इतना स्वार्थी समझा है हीरा? हम दोनों इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? बहुत मार पड़ेगी, सब समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो सब तो आशीर्वाद देंगे। तोड़ दी दीवार, भाग गए सारे जानवर। कितने उदंड बैल हैं, नाक में दम करके रखा है। इनको सबक सिखाना चाहिए, इनका दादा पानी बंद कर दो। बंदे पड़े रहे दोनों वहां, यूं ही निकल गया पूरा सप्ताह। डाला किसी ने न चारे का तृण, बस पानी मिलता था एक बार हर दिन। भैया ये बैल तो हमसे ना ही संभलते, तुम इनको खरीदने को कह रहे थे तो ले जाओ। अंतर्ज्ञान से मित्रों के दिल उठे कांप। कौन है ये, मकसद क्या, ये गए भाव। मनी में सोचे क्या आफत ये आई, कोई और नहीं ये दड़ियल तो है एक कसाई। गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान ना बचेगी। तुम तो कहते थे भगवान सब पर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। मोती जरा देखो, वहां हरे भरे खेत में गाय बैलों का एक रेवड़ हार में चरता नजर आ रहा है। सभी जानवर कितने प्रसन्न हैं, चिकने चपल, कितना सुखी जीवन है इनका। पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को परवाह नहीं कि उनके दो भाई बदिक के हाथों पड़े कितने दुखी हैं। मोती जरा देखो, लगता नहीं ये परिचित रहा है,
हाँ, इसी रास्ते से तो गया, हमें ले गया था, वही खेत वही बाग। आ, ये लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुल चलाने आया करते थे। हाँ यही कुआं है। अब तो मैं घर भागता हूँ। ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं भाई, दौड़ कर थान तक चलो, वहां से हम नागे जाएंगे। हीरा मोती, आते इतने दिन। मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम नहीं आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपचाप से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। अरे जाओ जाओ, मेरे बैल हैं। इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। मैं तो डर गया था, कहीं गुस्से में आकर तुम मुझे मार ही ना बैठो। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे लेकर जाता है। और जो गोली मरवा दे? मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं।